नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू, वो भी बिना आटे के। और इसमें मैंने घी का यूज़ किया है, वो केवल 4 टेबलस्पून है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं हमने ये कैसे बनाए हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून फुल भर के घी। गैस को हमने ऑन कर दिया है और घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो है। अब हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें गोंद डालेंगे। तो गोंद मैंने ली है 150 ग्राम और अच्छी तरह से फुला लेंगे। ये गोंद जब भी आप फुलाएं तो फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी करके ही हम डालेंगे। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो है। अब बहुत से कमेंट पिछली वीडियो में आए कि आपने गैस नहीं जला रखी। भाई गैस ऑन है, बिना गैस ऑन के आप देख सकते हो घी इतना गर्म हो जाएगा क्या। अब ये देखिए, मैंने इसको तोड़ के दिखाया है, ये आसानी से टूट रहा है। तो गोंद हमारी फूल चुकी है। इसी तरह से हम गोंद को सेक लेंगे। तो यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है तो इस वजह से आपको इसकी फ्लेम दिखाई नहीं दे रही। तो मुझे ये बार बार कमेंट मत कीजिए कि आपने गैस नहीं जला रखी है। अब मैंने 1 टेबलस्पून घी और डाला है और बाकी की जो गोंद है उसको हम सेक लेंगे, फुला लेंगे। तो सारी गोंद है वो मैंने फुला ली है, केवल 3 टेबलस्पून यहाँ पर घी लगा है। तो एक एक टेबलस्पून करके ही डालना और थोड़ी थोड़ी करके गोंद को फुलाना। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें डाल रही हूँ मैं बादाम। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। बादाम बस हमें इतना भूनना है कि इसकी थोड़ी नमी चली जाए। ड्राई फ्रूट जो भी हम डालेंगे उनमें नमी ना रहे। तो हल्का सा हमने ड्राई रोस्ट करना है, घी वगैरह कुछ नहीं डालना। अब बादाम जब 1-2 मिनट हो गए उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें काजू। तो काजू, बादाम और अखरोट तीनों ही 100-100 ग्राम हैं। तो तीनों को हम, कढ़ाई हमारी स्टील की है, काफ़ी मोटी तले की है, तो एक बार में ही गर्म हो चुकी है कढ़ाई अच्छी तरह से। तो फ्लेम बिल्कुल ही लो है और गर्म कढ़ाई में मैं इसको हिला रही हूँ, भून रही हूँ। अब ऊपर से मैंने डाल दी है इसमें किशमिश। और किशमिश डालकर हमने थोड़ा हिला दिया। अब जो ड्राई फ्रूट है उनकी सभी की नमी खत्म हो चुकी है और गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर रख देंगे, क्योंकि ये गर्म है कढ़ाई, तो हम निकाल कर एक साइड रख देंगे। अब 1 टेबलस्पून घी मैंने और लिया है। घी को मेल्ट होने देंगे और इसमें मैंने डाला है 300 ग्राम गुड़। फ्लेम को लो रखिएगा और इसको हिलाते रहिएगा तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट होने लगे, गुड़ नरम होने लगे, तो इसको आप प्रेस करके फटाफट इसको फोड़ देना ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। और इसको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, फ्लेम को लो रखना है। जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए आपने इसको हिलाना, छोड़ना नहीं है। ये देखिए, गुड़ हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और थोड़ा बहुत अगर रह गया होगा तो गर्म कढ़ाई है तो आराम से वो पिघल जाएगा। अब हमने जो ड्राई फ्रूट भुने थे, और सबसे पहले ये गोंद है, गोंद को जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से हम फोड़ लेंगे। अगर हम मिक्सी में चलाएंगे तो बहुत बारीक हो जाएगी, तो इसका जो क्रश होता है जब हम खाएंगे लड्डू तो वो क्रश हमें महसूस नहीं होगा। तो इसी तरह से आप फोड़ना और ड्राई फ्रूट को हम पीस लेंगे। मैंने उसमें से जो किशमिश है ड्राई फ्रूट में से, उसमें से अलग कर ली है। किशमिश को हमने नहीं पीसना है और बाकी ड्राई फ्रूट हम एक साथ पीस लेंगे। दड़दड़े पीसने हैं, बारीक नहीं पीसना है। तो मिक्सी को थोड़ी सी देर चलाना तो ये दड़दड़े पीसेंगे। ज़्यादा मिक्सी चला दोगे तो ये बारीक हो जाएंगे। मोटे दाने जो एक आधे रह जाएं उन्हें आप हटा देना, दोबारा पीस लेना।
तो देखिए ड्राई फ्रूट हमारे पिस गए हैं, दरदरे पिसे हैं। अब मैंने डाली है इसमें 3/4 टेबल स्पून दखनी मिर्च, यानी सफ़ेद जो मिर्च होती है, एक होती है काली मिर्च एक सफ़ेद, मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है। अब गुड़ जो हमने मेल्ट किया था उसमें हम अपना ये ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डाल देंगे। गुड़ हमारा जब तक हमने ड्राई फ्रूट वगैरह पीसे तब तक गुड़ भी ठंडा हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि हमने हल्के गर्म में ही लड्डू बनाने हैं। तो चीनी का यूज़ नहीं किया है मैंने, गुड़ ज़्यादा हेल्दी है। अब बस इसको बाइंड कर लेंगे। तो आटा तो हम डेली वैसे ही खाते हैं, रोटी खाते हैं आटे की, तो आटा क्या ज़रूरत है इसमें डालने की। तो गोंद के लड्डू खाने हो तो बिना आटे के खाइए। तो हल्का सा जब ये गर्म हो तभी आप बाइंड कर लेना, बड़े आसानी से बाइंड हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा मत करना इसको। तो सभी लड्डुओं को हम बना लेंगे। तो देखिए गोंद के लड्डू बिना आटे के और केवल 4 टेबलस्पून घी में मैंने बनाया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।